गोविंद हरे मुरारे काम आत्मा जब नाथ नाम काम का आत्मा काम का पुत्र। सैनिकों को कहा सैनिकों बंदी बना लो इसके लिए, सैनिक गए बंदी बनाने को, इसने खाट का पाया उखाड़ा है तो अपने बाबा का पौत्र बाबा रथ का पहिया निकालते हैं, ये खाट का पाया निकालता है और महाराज भिड़ने लगा सैनिकों से, देखते ही देखते सैनिकों को धराशाही कर दिया। बाणासुर सोचता है वाह वाह वाह, केवल सुंदर ही नहीं है बलवान भी बहुत है। बाणासुर ने नागपाश फेंका है, नागपाश फेंक करके नागपाश में बांध दिया। ऊषा रोती है, पिताजी ये मेरे पति हैं। बोले चल अलग हट, बंदी गृह में डाल दिया। नारद जी महाराज के द्वारा सूचना मिली है कि आपका पौत्र बाणासुर की जेल में बंद है, बलराम के सहित आज आक्रमण कर दिया है। भगवान ने एक संदेशवाहक भेजा के युद्ध नहीं होवे, कहा कि हमारे पौत्र को लौटाओ, और पौत्र ही नहीं हमारी पौत्र वधु भी ससम्मान लौटाओ, विदा करो, लड़के वाले आ गए हैं, हाँ दादा ससुर भी आए हैं, ससुर जी भी आए हैं, ताऊ ससुर भी आए हैं अपनी बहू को ले जाने के लिए। आप ये मत समझना कि केवल पौत्र ही लौटा देने से काम बनेगा, हम पौत्र और पौत्र वधु इन दोनों को लेकर के जाएंगे। बाणासुर ने पत्र पढ़ा, कहा वाह जहां पौत्र को भी देने को तैयार नहीं है वहां हमसे पौत्र वधु भी मांगते हो, तो चलो फिर युद्ध के मैदान में भिड़ंत होगी। महाराज युद्ध का मैदान छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ा है। शंकर जी बाणासुर की ओर से युद्ध लड़ते हैं और श्री कृष्ण प्रद्युम्न बलराम सबोदर, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने अपना माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माहेश्वर ज्वर का प्रभाव हमारे सैनिकों पर हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया, जो छोड़ा तो माहेश्वर ज्वर को बांध करके नीचे पटक दिया वैष्णव ज्वर ने। वहां पर स्तुति करी है महाराज माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की, तब जाकर के माहेश्वर ज्वर को मुक्त किया। भगवान शंकर पर ऐसी मोहिनी फेंकी है कि शंकर जी की समाधि लग गई है महाराज, हाँ जमाई बार बार आवे जमाई समाधिस्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र लेकर के छोड़ा है, इसकी भुजाएं कट कट के गिरने लगी, एक एक करके भुजाएं गिरने लगी, चार भुजाएं बची ही थी कि समाधि से शंकर जी जाग गए, हाथ जोड़ करके प्रभु रुक जाओ इसको मत मारो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मारेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं, क्यों, इसके परवावा को हमने वचन दिया है प्रहलाद को कि तेरे वंश में हम किसी का वध नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे, वचन दे दिया तो निभाएंगे उसके लिए। लेकिन प्रभु आपने भुजाएं तो काट दी, मैंने 1000 भुजाएं दी थी। बोले चक्र ने तो काट दी, चक्र को कौन रोकता, पहले खड़े हो जाते। बोले समाधि में बैठा क्यों दिया रहा तुमने, अब एक कृपा कर दो, ये चार भुजाएं तो छोड़ दो इसकी, कम से कम मेरी थोड़ी जवान तो रह जाएगी। बोले आप पूरी रखो जवान, चार भुजाएं छोड़ दी। तब शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने चेला को समझाओ मर्यादित रहे। शंकर जी बोले रे बाणासुर मैं तेरा प्रभु हूं और जिनसे तू भिड़ रहा है ये तेरे प्रभु के भी प्रभु है, मैं तेरा ईश्वर हूं ये तेरे ईश्वर के भी ईश्वर है, इनसे युद्ध कर रहा है क्षमा मांग। बाणासुर चरणों में गिर पड़ा है, भगवान के पौत्र और पौत्र वधु दोनों को मुक्त करके सजल नेत्रों से इसने विदाई दी है। और महाराज उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को लेकर के जंगल में गए हैं। जो जंगल में गए एक राजा नृग, इसने बहुत गौ दान की थी, दान पुण्य करने से धर्म करने से जीवन में यश प्राप्त होता है। यक्ष ने जब पूछा था 20 प्रश्न युधिष्ठिर से तो कहा यश का मुख्य स्थान क्या है, बोले दान देना। आज विचार करके देखो जितना नाम बिरलास का हुआ है बिरला मंदिर के कारण, जहां जहां देखो वहां बिरला मंदिर है। होटल बनाने से नाम होगा गारंटी नहीं है, मॉल बनाने से नाम होगा गारंटी नहीं है, घर बनाने से नाम होगा गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान के मंदिर बनाने से धर्मशालाएं बनाने से नाम होगा इसका बिरला प्रमाण है। नारायण धर्मार्थ काम करने से कीर्ति बढ़ती है यश बढ़ता है। और उसके पश्चात में महाराज राजा नृग ने जो दान पुण्य किए थे उसके बाद भी ये गिरगिट बने,
इन्होंने गौ दान करी है बहुत, और गौ भी बड़ी दान करो तो फिर ऐसा करो जो किसी के काम भी आवे। ऐसी वस्तु कभी दान मत करो, आपने 1000 वस्तु दान करी और कोई मतलब की नहीं है, उससे बढ़िया 4 वस्तु दान करो मतलब की रहे, जो किसी के काम आवे। नारायण इनके यहां पर एक गलती हो गई, राजा ने कितनी गौ दान करी इसकी गिनती स्वयं राजा को नहीं मालूम थी, लेकिन एक बार एक ब्राह्मण की गौ इनकी गौ में आकर मिल गई, वो भी इनसे दान हो गई। ब्राह्मण दान लेकर जा रहा था, जिसकी गौ खो गई थी वो ढूंढता आ रहा था, दोनों रास्ते में मिले, आपस में बात हुई, मेरी गाय, बोले मेरी गाय, राजा के दरबार पर मेरे दरवाजे पर सब आए। एक ने कहा भगवान दाता, दूसरा कहता अपहर्ता चा चोर है। हे प्रभु, निर्णय न कर पाया, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है और राजा उनको निर्णय नहीं दे पाता, न्याय नहीं कर पाता, वो राजा नरक में जाने का भागी होता है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु आवास नरक अधिकारी, सोन आवास नरक अधिकारी। निर्णय न कर पाया, ब्राह्मण जाते जाते शाप देकर मुझे गया, केवल गर्दन हिलाने का काम करता है, जा राजन तू क्रिकेट बन जा। और महाराज यमराज के यमलोक में जब मैं गया तो यमराज ने कहा कि महाराज आपके जीवन के पुण्य बहुत हैं, लेकिन एक पाप भी बन गया है, अब बताओ पुण्य भोगोगे के पाप। मैंने कहा पहले पाप, क्योंकि पाप एक है और पुण्य मेरी गिनती नहीं है उनकी। जैसे कोई थाली में सब्जी रखी जावे, पकवान रखे जावे, जो पसंद नहीं हो गया वो खाना है तो पहले न पसंद वाली चीज को खा लिया जाता है, बाद में फिर चैन से खाओ बढ़िया बढ़िया चीज। महाराज उसके बाद में आपके कर कमल का स्पर्श पाया है तो हे द्वारिकाधीश में मुक्त हो गया हूं। कहा आपका अनुभव जीवन का क्या है? तो राजा मृग कहते हैं, जवान कितनी? एक। ये जवान देकर के जो पालन नहीं करता है, जो दान देने का संकल्प लेकर दे मैं दूंगा ये कहकर के नहीं देता है और दूसरे को भी देने से रोकता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, अरे एक दो वर्ष की कौन कहे, उसे 60,000 वर्ष तक मलमूत्र में कीड़ा बनना पड़ता है और खाने को भी केवल मलमूत्र ही उसे प्राप्त होता है। स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्म वृत्तिम हरि चय षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमी। इसलिए हे प्रभु, क्योंकि ब्राह्मण की गाय एक मेरे पास आ गई थी, उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा, इसलिए मैं तो यह प्रार्थना करता हूं हे विधाता, मेरे पास कभी गलती से भी किसी ब्राह्मण का एक धन नहीं आ जावे। नमे ब्रह्म धनम भूयात यद्वाल्पा आयुषो नरा। और उसके बाद महाराज बलराम जी महाराज वो उन्होंने विचार किया, ब्रज की याद उन्हें आ गई, विचार किया कि अब जाकर के हम अपने मैया बाबा, अपने सखाओं से, बाल सखाओं से, ब्रजवासियों से मिलने चलेंगे। कन्हैया तो न जाने किस मर्यादा में बैठा है, नहीं जाएगा, लेकिन हम जाएंगे। आज बलराम जी गोकुल में गए हैं और गोकुल में जाकर के सबसे मिलने का कार्य किया। वहां पर कौन से मास में गए हैं? चैत्र में, चैत्र बैशाख, ये दो मास में महाराज बलराम जी चैत्र में 2 महीना वहीं रहे। इतनी गर्मी, सबके साथ भगवान ने विचार किया चलो अब पुराने बाल्यकाल की लीलाएं याद कर लें, गोपांगनाओं के साथ जो हमारे साथ पढ़ती लिखती थी उनके साथ बैठ के नौका विहार करेंगे। बलराम जी नौका विहार करने गए, गर्मी इतनी तीव्र थी तो विचार किया कि यमुना जी से कह देते हैं, यमुना आ जाए और थोड़ा हमारे निकट आ जाएगी तो शीतलता बनी रहेगी। भगवान ने विचार किया बलराम जी ने कि यमुना निकट आवे, यमुना जी को बुलाया, यमुना आवे नहीं। महाराज बलराम जी ने कहा
जेठ लगता हूं, एक बार कह रहा हूं बहू से कि थोड़ी सेवा कर, पानी पिलाने की सेवा भी नहीं करे बहू। महाराज खेचा, जो खेचा यमुना जी को, यमुना तो महाराज चरणों में गिर पड़ी, त्राही त्राही करने लगी, आज हाथ जोड़ करके स्तुति करती है महाराज। बोले राम राम महाबाहो न जाने तम विक्रम यस्यै कांसेन विद्रता जगती जगतः पते। हे प्रभु, हे महाराज, धरती को धारण करने वाले, मैं आपको पहचान नहीं पाई, गलती हो गई, जेठ की मर्यादा के कारण नहीं आई। बोले हम तो पानी पिलाने की केवल बात कर रहे थे, तू अनुज वधु है, तेरे जेठ लगते हैं, तो कम से कम इतनी सेवा तो तू कर ही सकती है, वो भी तूने नहीं करी, इसलिए जेठ का भी महाराज मान होता है। हाँ, बलराम जी ने जेठ वाला मान दिखाया थोड़ा सा अनुज वधु की, वो जानते हैं कि बलराम जी जो करेंगे वो न्याय का कार्य करेंगे, तो श्री कृष्ण क्या बोलेंगे। जहां पर बलराम जी ने यमुना जी को खेचा है, आज भी वो स्थान है, वहां से यमुना थोड़ी मुड़ करके निकल रही है, ब्रज 84 को उस मंडल में वह स्थान को नाम है ऐंचा गांव, वहां पर दाऊ जी का एक मंदिर भी है ऐंचा, हमारे ब्रज में बोलते हैं खेचा नहीं ऐंचा, ऐंच लियो, तो ऐंचा गांव वहां पर पड़ गए हमारा ब्रज 84 को उसमें। बोले दाऊ जी महाराज की। और उसके बाद महाराज एक और दुष्ट हुआ, वानर था महाराज ये वानर, देखो इसका नाम तो द्विविध, 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 आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, ये सुग्रीव के समय पर भी था, द्विविध मयंद नील नल अंगद, ये सबके नाम है। उसमें द्विविध वानर जो था ये बड़ा कुसंग में पढ़ करके दुष्ट निकल गया, सुग्रीव ने अपनी सेना से इसे बाहर निकाल दिया, इसने भौमासुर के साथ मित्रता कर ली, ये भौमासुर का मित्र हो गया, और भौमासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, तो ये उनका शत्रु हो गया। और महाराज एक बार तो ये द्वारिका तक आ गया है, द्वारिका तक पहुंच गया, ये बड़ा बलवान था महाराज, इसने बड़ा उपद्रव मचाया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी वहां पर पहुंच गए, बलराम जी ने इसमें पिटाई मारी, बलराम प्राण निकाल देते, भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ जी छोड़ो भाग रहा है, भागते पे मार मत करो, ये ब्रज में बैठ गया आ जाए करके। और बलराम जी को वहां पर देखें, सबके साथ भगवान बलराम बैठे हैं, ये कई गोपी के वस्त्र उठाए ले, कभी वाके वस्त्र खींच दे वे, सब ने हाहाकार करी, बोले बलराम दाऊ रक्षा करो हमारी इस वानर से, दुष्ट वानर आ गया। जयपुर में भी लोग बड़े बंदरों से परेशान हैं, और हमारे ब्रज में भी महाराज कुछ बंदर ऐसे हो गए, मुझे लगता है ये अंगद इत्यादि की प्रजा नहीं है, वंश नहीं है, ये जो दुष्ट बंदर हो गए हैं ये द्विविध वानर की वंशावली है। द्विविध ने इस प्रकार के महाराज हार्मोन्स को डाले, जाके महाराज इसकी संतति हो गई है। आज ऐसे ऐसे बंदर महाराज यहां पर कई लोग मर चुके हैं, हमारे वृंदावन में भी महाराज कई लोगों की बंदर के कारण ही मृत्यु हुई है ब्रज में महाराज। आज बलराम ने पकड़ करके इसे मारा है, अब मार करके इसको जय जय श्री सीताराम कर दिया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है, बलराम भगवान की जय। और उसके बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है एक, उनका नाम है, उनका एक बच्चा है सांब, किसका बच्चा है ये, जाम्बवती का, जाम्बवती के कोई संतान नहीं है, शंकर जी से प्रार्थना करके सअंब अंब सहित भगवान शिव शंकर सांब के रूप में आए, सांब सदा शिव। और महाराज दुर्योधन की बेटी, वो अपना वहां से हरण करके चला है सांब, दुर्योधन की बेटी भी प्रेम करती है सांब से, और सांब भी प्रेम करता है, हरण करके चला, लेकिन वहां पर भीष्म कर्ण ऐसे योद्धा बलवान है, चारों तरफ से घेर करके बंदी बना लिया है, इसकी एक नहीं चली महाराज, जो बंदी बना लिया, पता लगा द्वारिकाधीश को, सेना लेकर के बलभद्र बलराम भी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने को आतुर देखे, हमारे महाराज पुत्र के लिए बंदी बना लिया है, बलराम ने कहा मेरा चेला लगता है, मैं समझाता हूं जाकर। बलराम जी ने अंदर समझाया, दुर्योधन बोले गुरु जी प्रणाम, बोले दुर्योधन द्वारिका नरेश महाराज उग्रसेन की आज्ञा है कि हमारे पौत्र और हमारे पुत्र और पुत्र वधु दोनों को ससम्मान दो, लौटाओ। दुर्योधन की मति मारी गई, दुर्योधन ने कहा वाह, आज पैरों की जूती यदुवंशी इस सर पर चढ़ना चाहते हैं। बलराम जी ने कहा ओहो,
इसकी जवान तो बड़ी उल्टी हो गई। बलराम जी ने हल लिया, लेकर के महाराज हस्तिनापुर के ऊपर जो खेचा, बलराम जी खेचा खेची का काम बहुत ज्यादा करे हैं, जो खेचा है हस्तिनापुर, बोले आज उखाड़कर पूरा यमुना में गिराता हूं। और हस्तिनापुर महाराज टेढ़ा होने लगा, सबके सब चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके महाराज स्तुति करते हैं, बोले राम राम खिलाधार प्रभावम नविदामते, बोले मूढ़ा नाम बुद्धि नाम क्षंतम अरहस्य अरहस्य तिक्रमम। हे राम राम, हे राम, हे अखिल जगत के आधार, हे प्रभु आपके प्रभाव को हम नहीं जानते, हमें क्षमा करें महाराज। और जितना टेढ़ा हुआ ऐसा आर्किटेक्ट कहां मिलेगा करने वाला, सीधी खड़ी बिल्डिंग को टेढ़ा कर दिया और आज भी टेढ़ी टिकी हुई है महाराज। आप जावे हस्तिनापुर के लिए देखें, यमुना की ओर झुकी हुई है शाम को, और अपनी पुत्री के लिए महाराज जिन्होंने विदा किया है। और उसके बाद में नारद जी महाराज एक दिन द्वारिकाधीश द्वारिका के पास में आए, द्वारिका में आए, नारद जी भगवान का गृहस्थ देखना चाहते हैं। जो भगवान का गृहस्थ देखा है क्या देखें, बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, बोले ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और उसके बाद महाराज हाथ दर्शन करते हैं, पंचभूतों को प्रणाम करते हैं, स्नान इत्यादि करके महाराज भगवान ब्राह्मणों को गऊ दान करते हैं, नियम है भगवान का, खूब सेवा करते हैं, राज दरबार में समय देते हैं, राज दरबार भगवान का ऑफिस है, घर में समय देते हैं, परिवार में बच्चों को समय देते हैं, भगवान सारी व्यवस्था सबके लिए बनाए हुए, कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान पर हमारे लिए समय नहीं है। प्रजा भी बुलावे तो प्रजा के पास भी भगवान उपस्थित हो जाते हैं, सब तरह से भगवान की, भगवान से सब प्रसन्न है। नारद जी ने देख करके प्रणाम किया कि गृहस्थ भी सीखना हो तो भगवान से सीखना चाहिए महाराज। उसके बाद में उद्धव जी भगवान द्वारिकाधीश जब द्वारिका में बैठे हैं, देखो छह बुराइयां यदि नारायण में भी आ जाएंगी तो लक्ष्मी नारायण को छोड़कर भी चली जाएगी, और यदि वो बुराइयां हम में आ जाएं तो विचार करो जो अपने पति को छोड़ सकती है ये बुराई आने पर वो हमें नहीं छोड़ेगी। कौन सी बुराई है, कुचेल इनम गंदे कपड़े पहनना, गंदे कपड़े का मतलब मैले कपड़े भी है और गंदे कपड़े का अभिप्राय अपवित्र वस्त्र भी है। आप शौच इत्यादि करने गए तो आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधे कपड़े उतार दिए हैं, शौच इत्यादि करके आप कोई कपड़े पुनः पहन लोगे, आपने स्नान तो नहीं किया तो कपड़े अपवित्र हो गए नहीं हो गए, अब वो अपवित्र कपड़े आप अगले दिन फिर पहन लो, इसी को कहा कुचय लेनम, अपवित्र गंदे कपड़े पहनना, दंत मलोपधारिणम दांतों पे मैल जमा रहना, पान खाओगे तमाकू खाओगे तमाकू खाने से मैल जमा रहेगा, आपको बता ये तमाकू है क्या, हमारे यहां पर मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल हिंदुओं में नहीं खाई जाती, निषिद्ध बताई गई है मसूर की दाल, क्यों, जब द्वारिकाधीश भौमासुर को मार करके और महाराज स्वर्ग में गए हैं, क्योंकि देवताओं ने हाहाकार भी करी थी प्रभु बचाओ इस राक्षस से हमें, तो भगवान स्वर्ग गए सांत्वना देने के लिए, तो भगवान के साथ सत्यभामा भी गई थी, तो सत्यभामा तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी के साथ उसके कक्ष में चली गई और इंद्र के साथ भगवान विराजमान हुए, इंद्र ने बड़ी स्तुति पूजा करी। अब लुगाई आपस में मिले तो बातचीत करें, देखो ये डायमंड का नेकलेस है मेरे पति ने दिया है, ज्यादा दिखावा करें नारी एक दूसरी नारी के लिए, खूब दिखावा देखी महाराज, वहां पर कल्पवृक्ष दिखाई दिया, जो कल्पवृक्ष दिखाई दिया बोले देखो ये शोभा है पारिजात, इसमें सुंदर सुंदर पुष्प पैदा होते, हाँ 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 बहुत सुंदर। अब महाराज विदा होने का समय आया तो द्वारिकाधीश से और सत्यभामा ने कहा स्वामी हाँ हमें तो पारिजात पुष्प एक चाहिए, केवल पुष्प मांगा है पारिजात पुष्प हमको चाहिए। भगवान ने कहा अभी इंद्र, बोले प्रभु
एक काम करो, ये पारिजात पुष्प एक हमें दे दो, हम द्वारिका ले जाएंगे। इंद्र की पत्नी इंद्राणी इंद्र से कहती है, सुनो इधर आओ, हाँ मना कर दो, मतलब अरे स्वर्ग की संपत्ति है, ये धरती लोक में क्या जाएगी, बिल्कुल मना कर देना, देना नहीं। इंद्र ने कहा, प्रभु हमारी पत्नी कहती है स्वर्ग की संपत्ति है, और वाकई बात तो सही है प्रभु, स्वर्ग की संपत्ति मर्त्यलोक में कैसे जाएगी। ये वही इंद्र है जो भौमासुर के मारे हाथ जोड़ करके कह रहा था प्रभु बचाओ, और आज वही भगवान है भौमासुर को मारकर जब इंद्र के पास आते हैं तो एक पुष्प मांगते हैं, इससे पुष्प नहीं दिया जाता। देवता बड़े मतलबी होते हैं महाराज, ये मतलब पढ़ने पे तो चरणों में प्रणाम करते हैं, और वो भगवान जब इनकी स्तुति खूब करी जाती है, आज उन्हीं ने एक चीज मांग ली, दी नहीं। भगवान ने कहा, गरुण हाँ एक काम करो, अब पारिजात पुष्प ही नहीं पूरा वृक्ष उखाड़ करके द्वारिका ले चलो। हाँ एक बार में, बोले तेरी लुगाई का तू इतना कहना मान रहा, जब हम तुझसे कह रहे हैं तू हमारी बात नहीं मानता, लुगाई की बात मान रहा है, तो देख उखाड़ लो। और महाराज देवराज इंद्र ने भी कहा, सेना तैयार हो, हमला बोल दो इनके ऊपर, देखो इसकी मूढ़ मति, युद्ध छिड़ गया स्वर्ग में। अब भगवान ने महाराज भयंकर युद्ध किया, इधर सुरभि गऊ के कान जो है वो कटा, किससे कटा, बोले गरुड़ के पंख से कटा, गरुड़ के पंख से सुरभि गऊ का कान कटा, तो रक्त की धार जो बही है उस रक्त की धार से मसूर की दाल पैदा हुई है, सुरभि गऊ के रक्त की बूंद से और महाराज ये मसूर की दाल पैदा हुई, इसलिए हिंदुओं में मसूर की दाल निषिद्ध बताई गई है सनातन धर्मियों में। और गाय का जो कान गिरा कट करके उससे महाराज तंबाकू की खेती पैदा हो गई है, इसलिए जो वैष्णव हैं जो भगवान के उपासक हैं उन्हें तंबाकू भी नहीं खाना चाहिए महाराज, आपको बताओ जो खाते हैं वो अपराध। ये कथाएं इसलिए हैं कि कम से कम इन कथाओं को सुन करके लोग जो खाने वाले तंबाकू खाते हैं वो समझ लें, ये गो माता का कान की ही खेती को आप खा रहे हो, ये नहीं खाना चाहिए महाराज। उसके बाद में कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, दांतों में मेल जमा रहेगा तो भी महाराज लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी। बहुवासिनम, बहुत अधिक भोजन करोगे तो भी लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी। निष्ठुर भाषिनम, कठोर बोलोगे तो भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी, किसी से कठोर मत बोलो। वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी कभी मत बोलो जो किसी की आंख में आंसू आ जाए, किसी को पीड़ा पहुंचे, ये काम मत करो। अरे भैया कौआ और कोयल दोनों ही काली हैं, जरा विचार करके देखो कोयल कितनी अच्छी लगती है और कौआ कितना काए काए करता खराब लगता है। कौन कौए ने किसी का धन हर लिया है, बोले कौआ का को धन हरे और कोयल का को दे। कोयल किसको खजाना दे देती है और कौआ किसकी संपत्ति हरण करता है, लेकिन मीठे वचन सुनाएंगे जग अपनों कर ले। वाणी मधुर बोलो महाराज, तो कितने हो गए दोष, कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषिनम, चार। सूर्योदय चास्तिमिते शयानम, सूर्योदय पर सोता रहे और सूर्यास्त पर सोवे, विमुंचति श्री यदि चक्रपाणी, यदि ये दोष नारायण में भी आ जाएंगे तो लक्ष्मी उनको भी छोड़कर चली जाएगी। जो सूर्योदय से बाद में उठते हैं, विलंब से उठते हैं, उनकी लक्ष्मी कम होती चली जाती है, खत्म हो जाएगी एकदम। इसलिए आप पुराने जितने भी धनपति देखो, लक्ष्मी पुत्र देखो, वे सब के सब सुबह जल्दी उठते थे। आज भी बसंत बाबू बिरला कितने बजे, 3 बजे। आपके इमामी के मालिक राधेश्याम जी गोयनका कितने, 3:30 बजे उठ जाते हैं आज भी। उनके मित्र पार्टनर अग्रवाल जी वो भी इतने, उषा जी उनकी पत्नी, सब बच्चे तक उठ जाते हैं। और बोलो सुबह 3:30 बजे 4 बजे तो उठ करके कुछ बच्चे जो गोल्फ खेलते हैं वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं सुबह उठ करके।
कैसे बढ़ता है इनके पास धन, ऐसे बढ़ता है धन। प्रातः काल जल्दी उठें, मैं तो कहता हूं कि धर्म का बीज तो भले ही ब्राह्मण ने बोया है, धर्म का बीज तो ब्राह्मण ने बोया है, लेकिन उसको सींच करके बढ़ाने का काम वैश्य वर्ग ने किया है। यदि वैश्य ना होते तो धर्म का बीज वृक्ष नहीं बन पाता। इन्होंने बड़ी सेवा करी है धर्म की। नारायण, उसके पश्चात में महाराज एक समाचार आया कि हे प्रभु, नारद जी कहते हैं मैं तो भूल गया था, पांडवों के पास से मैं आया हूं, पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। एक सेवक आया, द्वारिकाधीश की जय हो। कैसे आए भैया? बोले हम जरासंध की जेल से आए, जरासंध के राज्य से, गुप्तचर है। कैसे आना हुआ? बोले जरासंध की जेल में 20,800 राजा बंद है, आपसे प्रार्थना करिए, मुक्त करिए। भगवान ने कहा दोनों काम कैसे हो? बोले प्रभु सबसे पहले तो आपको पांडवों के पास जाना है। अच्छा, लेकिन जरासंध को पहले मारना है, मरवाना है, और यज्ञ बाद में पूर्ण करवाना है। यज्ञ बाद में पूरा होगा, जरासंध पहले मरेगा। बोले कैसे मरेगा? बोले भीम और अर्जुन और आप तीनों चले जाना, जरासंध दानी बहुत है, जाकर के उससे मल्ल युद्ध मांग लेना, युद्ध में दान देगा मल्ल युद्ध, भीम के हाथों मरवा देना। महाराज पांडवों के पास श्री कृष्ण आए हैं, अर्जुन को श्री कृष्ण ने गले लगाया, भीम को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आओ हमारे घर के राजा का दर्शन करो, हमारे घर के राजा का। बोले आपके घर के राजा तो आप हैं। बोले नहीं, हमारे घर का राजा कोई और है। बोले कौन? अपने मंदिर में लेकर के आए हैं। और कौन राजा बना है? वही राजा है जिसको भरत लाल ने 14 वर्ष तक अयोध्या का राजा बनाया है। युधिष्ठिर जी महाराज ने वही काम किया जो भरत लाल ने किया। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारी निरुपाधि, मांगी मांगी आयसु करत काज बाज बहु भांति, त्वत् पादुके अविरतम परिये चरंती, ध्यायन्त्य भद्र नशने शुचयो गृणन्ती, विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम, आशासते यदि आशिष ईश नाहि। भगवान के नेत्र सजल हो गए, ये मेरे चरणों की पादुका रखे, चरण कमल की पादुका रखकर उनकी सेवा करते हैं, जभी तो भगवान पांडवों से इतना प्रेम करते हैं। भगवान के चरण कमल के भक्त बन जाओ। चरण कमल, ये चरण कमल ऐसा है, आज तक भगवान के चरणों ने किसी को मारने का काम नहीं किया। भगवान के चरण कमल ने तो हमेशा भवसागर से तारने का काम ही किया है। हाथ मारते भी हैं, कृपा भी करते हैं, नेत्र भी मारते भी हैं, कृपा भी करते हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, लेकिन नेत्र मारने का काम, कृपा करने का काम दोनों करते हैं, हाथ भी मारने का काम, कृपा करने का काम दोनों करते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल केवल एक ऐसे हैं जो केवल भव सागर से तारने का काम करते हैं, मारने का करते ही नहीं। इसलिए अहिल्या के उद्धार के समय पर रघुनंदन राम को विश्वामित्र ने यही कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। चरण कमल के भक्त बन जाओ, चरण कमल का आश्रय ले लो नारायण। और उसके बाद में देखो, भवसागर से पार जाना चाहते हो तो चरण कमल ही नौका है। यत पादप्लव मेक मेव ही भवाम भोदे स्थिति ईर्षावताम,
जिनके चरण कमल ही प्लव हैं, नौका हैं इस भाव सागर से पार करने के लिए। महाराज उसके पश्चात में भगवान ने पांडवों को कहा कि अलग अलग दिशाओं को जीत करके आओ, आपको राजसु यज्ञ करना है। तो जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया था, बोले कोई अश्वमेध यज्ञ करता है मैं नरमेध यज्ञ करूंगा, नरों की बलि चढ़ाऊंगा। राजा थरथर कांपते हैं, महाराज हम मरने वाले। भगवान श्री कृष्ण आए अर्जुन को लेकर, बलराम महाराज भीम को लेकर के, और अपने शरीर पर मिट्टी लगाई, चेहरा बदल दिया अपना। इस समय भगवान कृष्ण ने मोर पंख भी धारण नहीं किया, सब बदल लिया। और महाराज जरासंध की भीड़ में जाकर के, मांगने वालों की भीड़ में जाकर याचक बन करके खड़े हुए। जरासंध ने दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इनने हाथ पीछे हटा लिया। बोले क्या चाहते हो? बोले हम जो चाहते हैं आप दोगे हमारे लिए? बोले अरे हमारे जरासंध के राज्य में आए हो, मांगने के लिए आए हो, यदि जरासंध से आप जरासंध का सिर भी मांगोगे तो जरासंध अपना सिर भी काट कर दे देगा। ददाम्यात्मा शिरोपिब। भगवान ने कहा दानी तो बहुत बड़ा है, तो क्या चाहते हो? बोले हम युद्धम नो देही राजेंद्र द्वंदशो यदि मन्यसे, हमें द्वंद युद्ध दो यदि आप दे सको। जरासंध ऊपर से नीचे तक देखे, मांगने वाले बनकर आए हो तुम, मांगने वाले हो नहीं। क्यों? मांगने वाला तो आवे मांग करके चलता बने, तुम वो नहीं हो। हो कौन? परिचय दो। बोले क्यों? परिचय पाने के बाद में फिर युद्ध नहीं करोगे, द्वंद युद्ध? बोले करूंगा, वचन दे रहा हूं, लेकिन पहले परिचय। बोले सुनो, असौ व्रकोदर साक्षात तस्य भ्राता अर्जुन हो ययम। ये भीम व्रकोदर, ये उनका भाई अर्जुन, और इन दोनों का ममेरा भाई तेरा बैरी शत्रु कृष्ण तेरे सामने खड़ा है। रे भगोड़ा 18वीं बार पीठ दिखाकर भाग गया था। भगवान ने कहा एक बार का याद है, 17 बार की मार याद नहीं है? अरे एक बार तो ब्राह्मणों को बचाने के लिए भागा हूं, उसी को याद रख रहा है, अपनी हार 17 बार की और याद रख जरासंध। नारायण। और महाराज उसके पश्चात में बोले कृष्ण जो रणभूमि छोड़कर भाग जाता है उससे हम नहीं लड़ते। मतलब इन दोनों में से अर्जुन छोटा है इससे नहीं लड़ेंगे, फिर भीम और हम दो लड़े, भीम चाहे हमें मार दे या हम भीम को मार दे। ठीक, छिड़ गया मैदान, दीदी गदा हाथ में, महाराज गदा से गदा टकराती है, टूट टूट के गिर पड़ती है, मुष्टिका से मुष्टिका लगती है, छाती से छाती लगती है, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। ततस चट चटा शब्दो वज्र निष्पेश सन्निबह। आज हाथ मारता है जरासंध भीम में, ऐसा लगे जरा वज्र गिर गया इंद्र का। भीम महाराज एक दिन तो भीम मूर्छित हो गया, एकदम मूर्छित। महाराज मैं आपको बताऊं, ये धर्म युद्ध है, सूर्य उदय के साथ प्रारंभ होता, सूर्यास्त में विश्राम होता, और रोज एक थाली में बैठ के दोनों भोजन करते। भीम कहता तेने मेरे यहां मारी, जरासंध के तेने भी तो मेरे महारी, देख नील पड़ गई है, दोनों एक थाली में। ये धर्म युद्ध है, लेकिन 27वें दिन तो ऐसा युद्ध हुआ है, भीम मूर्छित होकर गिर पड़ा है। ये तो भगवान की कृपा, जो सूर्य गिर गया नीचे अस्त हो गया, नहीं तो भीमसेन के प्राणों ऊपर उड़ जाते। महाराजा भीमसेन को उठा के लेकर आए, सब लोग प्रसाद पा रहे थे, होश आया भीम को, जो देखा खाट से उठा भागा वहां से भीमसेन। दादा कृष्ण का, कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, दादा कहां जा रहे हैं? अरे दादा कहां जा रहे हो, तुम दोनों बैठकर 24 घंटा भोजन पानी करते रहो, चैन से सो, मुझे काल से भिड़वा दिया। दादा क्या हुआ? बोले एक बार भिड़ करके देखो, एक एक मुष्टिका मारे तो लगे प्राण निकल रहे हैं, कृष्ण मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। अरे दादा एक दिन और कर लियो, आज का युद्ध और है एक दिन की। अब तो महाराज क्या कहना, शक्ति नहीं है शरीर में। भगवान ने करकमल का स्पर्श किया, दादा एक बात कहूं, जाओ लड़ना। अरे अब तो लड़ लूंगा, शक्ति आ गई शरीर में, लेकिन दादा एक बात कहूं, शक्ति तो आ गई, ये शक्ति आती भी है और शक्ति जाती भी है, जवानी में आती है और बुढ़ापे में जाती है, लेकिन एक बात याद रखना दादा, जब तुम्हें लगने लगे कि मेरी शक्ति काम नहीं आ रही है तो एक बार मेरी ओर देख लेना, सिर्फ एक बार। ये संकेत कितना सुंदर है, जब तुम
मेहनत करके परिश्रम करके और सफलता पाने के लिए आगे बढ़ते हो, अनेक बार बढ़ते हो और अनेक बार बढ़ने पर भी तुम्हें लगता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो जगत की ओर मत देखना, तुम जगन्नाथ की ओर एक बार देख लेना, सफलता तुम्हारे कदम चूमने लग जाएगी। और महाराज युद्ध हुआ, भीमसेन को पटक मारी है इसने बाद में। शुरू में तो भीमसेन भारी पड़ा, लेकिन भीमसेन के भारी पड़ने का जब जरासंध भारी पड़ा तो पटक मारी, जब लगा कि प्राण निकल रहे हैं तो कृष्ण की ओर देख लिया, जो कृष्ण की ओर देखा भगवान ने एक तिनका उठा करके यूं बीच में से और नेत्र से शक्ति दी। नेत्र से शक्ति देने का भाव, मछली अंडे को आंखों से देखती है मात्र, पक्षिणी अंडे पर बैठती है, अंडे को सेती है तो बच्चा निकलता है, कछुई कछुई वो न देखती है न बैठती है, केवल आंख बंद करके यूं चिंतन करती है और टेलीपैथी के माध्यम से रेस छोड़ती है और अंडे में से बच्चा निकलता है, और मछली मछली न चिंतन करती है न उस पर बैठती है, फिर दूर से अपनी आंखों से केवल उसे देखती है और आंखों से सेती है और उसमें से बच्चा निकलता है। भाव भगवान देवी का एक नाम है मदुरई, जो लोग गए हैं मीनाक्षी देवी का मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल है। भाव क्या है, मीन जैसे आंखों वाली, अक्षी माने नेत्र, मीन माने मछली, मछली जैसे आंखों वाली देवी का नाम मीनाक्षी है। जैसे एक मछली अंडे को देखती है और उसमें से जीव निकल जाता है, ऐसे मीनाक्षी देवी की माता की दृष्टि किसी जीव पर पड़ जाती है, जन्म जन्मांतर का फूटा हुआ भाग्य भी प्रकट हो जाता है, ये कृपा है। बोली मीनाक्षी माता की, भगवान ने नेत्र कमल से जो दृष्टि डाली, भीम में शक्ति आई, समझ गए, पकड़ा, पटका, एक पांव जांग पर, दूसरा पांव हाथ में लेकर बीच में से चीर दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, इसके प्राण निकले, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है। बोलिए भीमसेन महाराज की, द्वारिकाधीश की जय। 20,800 राजा बंदी गृह से मुक्त किए, उससे पूर्व, मुक्त करने से पूर्व पहले सहदेव को गद्दी पर बैठाया, कल भी कथा सुनाइए, परसों कंस को मारने के बाद उग्रसेन को पहले गद्दी पर बैठाया है, फिर मैया बाप मुक्त किए हैं, यहां पर भी जरासंध को मारने के बाद सहदेव को गद्दी पर बैठाया है और फिर 20,800 राजा मुक्त करवाए। भगवान कृष्ण सिद्धांत से चलते हैं और सिद्धांत यही कहता है कि राजगद्दी खाली एक क्षण भी नहीं रहनी चाहिए, एक क्षण। आप देखो, संभवतः हम ऐसा विचार कर रहे हैं, हो सकता है यही भाव रहा हो कि जब किसी बुजुर्ग का, घर के मुखिया का शरीर पूरा हो जाता है तो 12 दिन की क्रिया के बाद में बड़े बेट को पगड़ी पहनाई जाती है, शुद्धि के बाद में तुरंत पगड़ी, क्यों? बोले अब तक वो मुखिया थे, अब ये मुखिया है, गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए इसलिए। और महाराज उसके पश्चात में 20,800 राजाओं को मुक्त किया है, 20,800 राजाओं ने प्रार्थना करी, हम आपकी स्तुति करते करते रहते यहां पर, हर क्षण आपकी स्तुति करिए स्वामी। कौन सी स्तुति? कभी संकट में पड़ जाओ, इस श्लोक को पाठ करना, संकट दूर हो जाएगा। कौन सा श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये आप नित्य पाठ करो श्री कृष्ण का, और कोई कहे हम तो कृष्ण के नहीं, हम राम के भक्त हैं, तब तो दूसरा श्लोक ले लो, आपदाम अपहर्तारम, आपदाम अपहर्तारम, दातारम सर्व संपदाम, सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम, श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम, भूयो भूयो नमाम्यहम, भूयो भूयो नमाम्यहम,
आई हुई आपत्ति आपदा वो टल जाएगी, एकदम टल जाएगी। और कोई कहे हम हनुमान जी के भक्त हैं, तब क्या करना है, राम जी भी काम आएंगे, राम जी का नाम लोग तो भी हनुमान जी कृपा करें, लेकिन अगर कोई हमें संस्कृत नहीं आती तब क्या करें। तो दीने दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, चौपाई का पाठ करो, इसका गान करो। और मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, हनुमान जी के जो उपासक हो, क्योंकि स्वयं मेरे इष्ट देवता भी हनुमान है, इसलिए एक प्रयोग बता रहा हूं। ये प्रयोग अगर जीवन में होवे, बड़ी से बड़ी भारी महासंकट विपत्ति भी टल जाएगी। हनुमान जी महाराज के आगे दीपक लगा करके सुंदरकांड का पाठ हो, और सुंदरकांड के पाठ में ये संपुट लगाया जाए, दीन दयाल विरस संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस संपुट का पाठ लगा करके पाठ किया जाए, पहले दिन एक पाठ, केवल 9 दिन का प्रयोग है, शुक्ल पक्ष से चंद्रमा देख करके प्रारंभ कर देना। पहले दिन एक पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन 3 पाठ, ऐसे 9वें दिन 9 पाठ। जिस दिन 9 पाठ पूरे होंगे, आप अपने जीवन में बड़ा भारी चमत्कार देखना, आपके ऊपर आई विपत्ति पल भर में टल जाएगी। ये बड़ा दिव्य प्रयोग है, हमारे दादा गुरु जी इस प्रयोग को बताते महाराज। उसके बाद में भगवान आए हैं राजसूय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए, भगवान ने जिम्मेदारी सो, भगवान जैसा मैनेजमेंट गजब, कोई भी काम बिना मैनेजमेंट के नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, आपको अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अकेले सोचे कि हम अकेले कर लेंगे, ये जो आयोजन है ये भी मैनेजमेंट है, अकेले एक के बस का नहीं है। और इस आयोजन में अपनी अपनी भूमिका सबने निभाई है, ऐसा नहीं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं हृदय से कि अपनी अपनी भूमिका सबने निभाई है। और उसमें जो सबसे कड़ी मेहनत रही है, सबसे कड़ी मेहनत वो हमारी अपनी बहन मोनी की रही है। एक बार जोरदार उसके लिए ताली, उसका परिश्रम बहुत रहा है, उसने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, जगह जगह जाकर के, हालांकि इसको एक्सपीरियंस नहीं था, ये पहली पहली जॉब थी, पहली सेवा थी इसके लिए बड़ी, इसको अनुभव नहीं था, ये रिपोर्टर है तो इसको अनुभव ना होने से इसका वक्तव्य भी रिपोर्टर जैसा रहा, लेकिन उसके बाद भी इसकी मेहनत सराहनीय नहीं, अभी तो अत्यंत सराहनीय है। हम हृदय से इसके लिए खूब आशीर्वाद देते हैं मुनि के लिए कि गोविंद देव जी की इस भूमि पर बीजारोपण हो गया है, बिल्कुल हो गया है। और ये बीजारोपण होना ही, ये बीज दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस बीज को बोने का काम गोविंद देव जी ने किया, निमित्त बने हैं, उसका एक अंग यह भी है। जैसे एक बीज बोया जाता है उसमें कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, फावड़ा भी चाहिए, खुरपी भी चाहिए, मिट्टी भी बढ़िया होनी चाहिए, सब चीज। तो ये गोविंद देव की गोद तो बड़ी पावन मिट्टी है, यहां की कौन कहे। और इसने अपनी भूमिका निभाई, बीज बोया गया, ये बीज दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस दिन ये अंकुरित होकर के वृक्ष बनेगा तब सबके आगे दिखाई देगा, और इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा यहां पर सबसे पहली भागवत इस देह के द्वारा जो हुई है उसमें ये लोग सहायक रहे, सहभागी रहे। नारायण दूसरी भूमिका जलगांव से आई हुई नेहा चौबे, इसकी भूमिका भी रही है। ये यहां की बेटी है जयपुर की और जलगांव की बहू है। हम किसी में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे और कोई तुलना भी नहीं कर रहे किसी के किसी से भी, लेकिन जिस जिसने अपनी भूमिका निभाई है हम उस भूमिका को प्रस्तुत कर रहे हैं।
इसने बहुत चीजों के लिए वचन दिया, मैं ये करवाऊंगी, मैं ये करवाऊंगी। हालांकि इसने बहुत हद तक परिश्रम किया है और अंत में कई लोग जिन्होंने इससे कमिट किया था वो कई लोग पीछे हटे या जो भी हो, परंतु ये डटी रही। हमने आज ही इसको सांत्वना दी है कि तुमसे जो हो वो करो, सर पर भार मत लो। हमें एक कबीरदास का पद याद आता है जिसमें कबीरदास कह रहे हैं, नीकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। हमने यह बात गोविंद देव जी के प्रतिनिधि बने हुए जोशी परिवार में भी कह दी है कि जो सहर्ष हो केवल वो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। पहले दिन से लेकर के अब तक में हमारा किसी प्रकार का किसी से भी कोई आग्रह नहीं रहा है, कोई दुराग्रह नहीं रहा है। जो जिससे जैसा हो सकता है वो आगे आवे, क्योंकि हमने गोविंद देव जी की प्रमुख यजमानी में ब्रोशर में लिख दिया था, सहभागी बने सहयोगी नहीं। हमें सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं है, सहयोग की अपेक्षा तब हो जब इस कथा का आयोजन हम कर रहे हो। ये कथा का आयोजन तो स्वयं ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर किस बार का भार है। करने वाले वो, कराने वाले वो, निमित्त बनाने वाले वो, तो जोशी परिवार भी इस आयोजन का एक निमित्त बना, हिस्सा बना और विशेष रूप से प्रतिनिधि रूप में। और क्या बताएं, हमारे तो यहां पर देखो एक जीजा जी भी बैठे हुए हैं, बहनोई साहब भी हैं अलग, जिया जी भी बैठे हैं। हमने एक बार भी इनको फोन करके नहीं कहा कि एक पोथी आप बैठवाओ, नहीं कहा हमने किसी को चला करके, ये बात जल्दी नहीं कही। नारायण, जिससे जो हो वो आगे आओ। तो निमित्त जोशी परिवार वो वैसे भी अब तो हमारा अधिकार और ज्यादा प्रबल हो गया। जब तक केवल ये जोशी परिवार नाम से था तब तक तो ठीक है, औपचारिकताएं बहुत थी। जब हमारी रिश्तेदारी निकल गई तो फिर औपचारिकताएं सारी खत्म हो गई। जब कलकत्ते में कथा करी तो पता लगा ये तो हमारा ननिहाल ही है, और नानी बाड़ी में ननिहाल में दोहेते का तो बहुत बड़ा अधिकार होता है। तो इसलिए हम तो बड़े अधिकार से इस बात से कह सकते हैं नारायण। तो ये एक दो तीन एक भूमिका और है जो चेहरा यहां किसी को दिखाई जल्दी से नहीं देता है, और वो हमारी छोटी बहन के अपने पति हैं, बहनोई साहब हैं, श्री अनिरुद्ध श्रोत्रिय जी, जो उस भवन में भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्थाओं को लग करके कर रहे हैं। और एक हमारा साला भी है, वो भी लगा खूब खट रहा है, वो भी अपनी जगह परिश्रम कर रहा है। एक बार जोरदारी से इन सभी के लिए हमारी वाली ताली। नारायण। और एक भूमिका उस व्यक्ति की है जो भूमि के ऊपर नहीं है, भूमि के नीचे है, एकदम नीचे, नीव। नीव उसी की है, गुप्त है, हम ले नहीं सकते नाम, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं इसके लिए कि उस व्यक्तित्व का हम नाम नहीं ले सकेंगे। वो नीव है, किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जो नींव खुदी है उसमें ही बीजारोपण हुआ है,
और जानते हो यह नींव भी हो गई, बीजारोपण भी हो गया, किसी ने जल भी दे दिया, किसी ने खाद भी दे दी, सब कुछ हो गया, ये बीज नष्ट तो नहीं हो जाएगा? ये बीज नष्ट तो नहीं होगा? बोले नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि छत्र बन करके स्वयं ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज विराजमान है, इसलिए ये बीज नष्ट नहीं होगा, सुरक्षित है, संरक्षित है। हमारी मौसी भी यहां पर बैठी है, मीरा मौसी, सब है यहां पर। हमने मौसी पर भी अधिकार होता है। हम एक फोन करके ये भी कह सकते थे कि मौसी एक पोथी तो आपकी भी रहेगी और बैठवा भी देती हूं। मुझसे इतना लोग प्रेम करते हैं, ये मैं कहां तक कहूं? सिर्फ कहने की बात होती है और तैयार होने वाले सब हो जाएं। बोले क्यों हो जाएंगे तैयार आपके कहने पर? बोले बात ऐसी है कि हमने जिसको अपना बड़ा भाई मान लिया है, जिसको बड़ा भाई बना लिया है, वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एक भाई हैं कि कितने? हम कहते हैं हम दो भाई हैं। मेरी मां की कोख से भले ही मैं एक पैदा हुआ हूं पुत्र के रूप में और दो बहनें पैदा हुई हूं, लेकिन जब बात कोई पूछता है तो कहता हूं दो भाई हैं। बोले कौन दूसरा भाई है? बोले वो तो जगत का पिता है, लेकिन मैंने उसे भाई बनाया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही मेरे भाई हैं। हर साल राखी बांधता हूं उनको, हर साल राखी बांधता हूं। आप वृंदावन आएंगे तो आपको हाथ में राखी भी दिखाऊंगा। कई साल की राखी बंधी रहती है और कई साल की राखी का भाव यह है, हर साल राखी बनती है, एक सुवर्ण की राखी बांधते हैं उनको, सोने की राखी, उसमें बीच में वो हमारी बहन हमारे लिए एक भेजती है, लेकिन वो हम नहीं बांधते, वो सुवर्ण की राखी हम अपने बड़े भाई को बांधते हैं और उनकी उतारी हुई राखी पिछले साल की वो अपने हाथ में बांधते हैं। तो जिसका भाई अपना ऐसा हो उसके लिए फिर कमी किस बात की करेगा वो? नारायण, हमने पद लिखा था, वो पद आपको सुनाएंगे, आज ही सुनाएंगे। उसमें हमने भगवान से अपना संबंध भी स्पष्ट कर दिया है। मारवाड़ी पद है, झूला झूलन पधारो महाराज। ये अभी नहीं सुनाऊंगा, सुनाऊंगा आज। ये झूलन उत्सव पर वृंदावन में जब हम बैठे थे तो झूलन महोत्सव पर ये ठाकुर जी ने प्रेरणा करके लिखवाया था, तो हम चाहेंगे ये जिनके पास भी हो वो ढूंढ लें, जब तक ये पद ये भजन जिनके पास भी हो, हमारी फेसबुक पर भी है ये और संभवतः हमने व्हाट्सएप भी किया था, तो जिनके पास हो वो इसको ढूंढ लेंगे, जब मिल जाएगा तो हाथ ऊपर कर देंगे, फिर विचार करके इसको गा लेंगे। अकेले के बल पर काम नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण भी अकेले काम करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन भगवान ने मैनेजमेंट सिखाया कि एक एक व्यक्ति को एक एक काम सौंपो और जिसमें जो एक्सपर्ट है उसको वो काम सौंपा जाए। तो महाराज भीमसेन को भोजन की जिम्मेदारी दी गई परोसने की, रसोई के अंदर क्या व्यवस्था बनेगी इसकी जिम्मेदारी दी गई द्रौपदी के लिए, दुर्योधन को गद्दी पर बैठाया गया जिस पर कोई गिफ्ट लेकर के कोई आवेगा वो रिसीव करेगा, और शकुनी को लिखापड़ी पर बैठाया गया कि कौन कौन क्या लेकर आ रहा है वो लिखो। किसी ने कहा कि कृष्ण ये तो वैसे भी जलने वाले हैं, तुम क्यों इनको गद्दी पर बैठा रहे हो? बोले हम तो चाहते हैं जलने वाला और जले, जलने वाले को और जलाओ। और कर्ण को बैठा दिया दान की गद्दी पर। बोले अरे कन्हैया ये भी शत्रु पक्ष का है, कोई एक मांगेगा ये पांच देगा दस देगा। बोले अच्छी बात है, अपने यज्ञ में जितना ज्यादा दान होगा उतना ही ज्यादा यज्ञ का नाम होगा।